मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु जय जगजीव जोनी वियानो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जग बंधो जय जग पियामा जय सुयान भगवो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरु लोगानं जय वंदे महायसमावागम महावीरम महामुनिम अमरनर राय मह्यम चरमते तयरम विमसते सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानते मिरंधानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः धर्म लाभ बहुत बहुत 41st सेशन ऑफ जैन डाइट एंड आयुर्वेदा में आप सबों का स्वागत है. लास्ट सेशन में हमने तेल और घी जिसमें जिसे हमारे शरीर को स्निग्धता मिलती है इस विषय पर चर्चा करी थी और मुख्य रूप से हमने रिफाइंड ऑयल पर जानकारी प्राप्त करी थी. रिफाइंड ऑयल के नाम से आज हमें जो सनफ्लावर ऑयल सोय ऑयल ग्रेप सीड पाम सफोला और ऐसी कई ऑयल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं और इस चर्चा से हमें यह पता चला कि ये जो ऑयल्स हैं ये अलग अलग सीड्स के नाम से जो बनाई जाती हैं इनमें जो इन सीड्स के नेचुरल गुण होते हैं जैसे कि पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या एंटीऑक्सीडेंट्स होने के गुण ये मिलते ही नहीं है क्योंकि ये इतने फिल्टरिंग प्रोसेस से गुजर चुकी होती हैं कि इन ऑयल ये जिस ऑयल एक ऑक्सीडाइज फैट के रूप में रह जाती है एंड दिस कॉजेस हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस टू अस सो वी मस्ट रिफ्रेन यूजिंग फ्रॉम देम और जितना हो सके शुद्ध घी का उपयोग करें और अनफिल्टर्ड ऑयल का प्रयोग करें. ये हमारे पिछले कक्षा की जानकारी थी और आज क्या जानने को मिलता है इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ साहब जी को. मथे मंदामी साहब जी आप सत्य शुरू करें. धर्मला बहुत आशीर्वाद. तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ कि रिफाइंड की प्रोसेस जो है कितने केमिकल से होती है, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से, हेक्सर से, और जिस जिस पेट्रोकेमिकल से हो रही है वो इतने घातक है कि वो कैंसर पैदा करते हैं. इसलिए आप लोग जो है प्योरली फिल्टर ऑयल अवश्य लाइए, रिफाइंड ऑयल मत लीजिए. अच्छा, और खास करके महिलाओं को इतना सावधान होना है, इतना सावधान होना है कि अगर कोई भी कंपनी डब्बे के ऊपर डबल फिल्टर ट्रिपल फिल डबल रिफाइन ट्रिपल रिफाइन अगर शब्द लिखते हैं तो भूल से टच भी मत करिए. ये शब्द जो है आपको लुभावने लगते हैं लेकिन खतरनाक केमिकल है क्योंकि 7 टाइप्स ऑफ केमिकल से फर्स्ट टाइम रिफाइंडिंग प्रोसेस होती है. अगर आप डबल रिफाइन लोगे तो 13 से 14 केमिकल्स डबल हो जाएंगे, हाई परसेंटेज हो जाएंगे. अगर आप ट्रिपल रिफाइन ले लेंगे तो फिर आप समझिए कि 20-21 केमिकल से वो इतना खतरनाक जहर बन जाएगा. आप तेल नहीं खा रहे हो, जहर खा रहे हो. मैं फिर आपको ये स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, कोल्ड प्रोसेस का कच्ची घाणी का तेल सिर्फ फिल्टर का मतलब कपड़े से छाना हुआ, बस इतना ही आपको यूज करना है. और ध्यान रखिए किचन में रसोई घर में खाने पीने में सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, इन चार के सिवाय पांचवा कोई घर में आना ही नहीं चाहिए.
ये लुभावने शब्द सफूला सोया पाम ये तो सबसे खतरनाक है। पाम ऑयल तो और भी आपको कैंसर करने वाला है, और ऑलिव ऑयल जो है अच्छा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लिए गुणधर्मों की दृष्टि से देखें तो खास करके सरसों का तेल, तिल का तेल, ये आपके शरीर का वात रोग नाशक करने वाला फायदा कारक है। और मैंने ये जो वीडियो भेजा और स्मिता बेनी जैन जैन फाउंडेशन ने जो दिखाया है वो पूरी रिफाइंडिंग प्रोसेस बताइए, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स दे आर यूजिंग फॉर द रिफाइंडिंग प्रोसेस, और वो कैसे कैंसर कारक बनती है वो आप देखिए, दोबारा देखिए, दो तीन बार देखिए, अपने सर्कल में भेजिए, सबको अवेयरनेस करिए। चलिए आज इसी प्रकार से हम ब्रेड के बारे में समझेंगे साहब। आजकल लोगों ने ये ब्रेड खाने का इतना रिवाज बना दिया है कि महिलाएं घर में रसोई करने को तैयार नहीं। इंडियन कल्चर के अंदर हर महिला को बहुत अच्छी आर्ट आती है, हाउ टू मेक द प्रॉपर रोटी, चपाती। अब ये हमारी बहुत अच्छी कला है, सबको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम भूल से भी ब्रेड नहीं खाएंगे। अब क्यों नहीं खाना है, क्या कारण क्या है, मेरे बोलने पर विश्वास मत रखिए। आज एक नया जो है वीडियो और बनाया है ध्रुव भाई राठी करके है, उन्होंने बनाया है, और वो आपको देखना है। क्यों देखना है कि किस किस केमिकल्स का कैसे यूज होता है, ख्याल आया कि नहीं, और कैसे ये केमिकल्स आपको कैंसर करने वाले हैं, बीमारियां करने वाले हैं, इसलिए आपको बताया है। अब सबसे पहले घटक को तो आप जानते ही हो, मैदा। मैदा के बिना तो ब्रेड नहीं बनेगा सर। व्हीट फ्लोर जिसको आप कहते हो, इसके अंदर जो है एलोक्सान केमिकल और फिर ऑर्गेनिक जो है पेरोक्साइड केमिकल, कैल्शियम पेरोक्साइड, बेंजोइक पेरोक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, एक्जोटिकल डनामाइड, ये इतने खतरनाक केमिकल है। आप में से कोई अगर केमिस्ट्री पढ़े हुए हो प्रमोद जी, तो आप जरूर इन केमिकल्स के बारे में केमिस्ट्री में से स्टडी करके लाना, कितने खतरनाक ये केमिकल है कि जो मनुष्य को कैंसर करा सकते हैं, मार सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। इतने खतरनाक केमिकलों का जिस तरह से बेकरी प्रोडक्ट के अंदर उपयोग हो रहा है, क्योंकि अब ब्रेड के बिना पिज्जा नहीं बनता है, ब्रेड के बिना बर्गर नहीं बनता है, ब्रेड के बिना जो है क्या 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 दुनिया भर की हम तो जानते नहीं है भाई साहब, लेकिन इतना खतरनाक खेल हो गया है। मैदा के बिना बिस्किट नहीं बनते, अब चाहे कोई भी कंपनी बिस्किट बना दे, कुछ भी बना दे साहब, मैदा की तो इतनी आइटमें आ गई, इतनी आइटमें आ गई है, आपको क्या बताया समझे। मैदा के खाखरे बन रहे हैं सर, अब लोग खाखरे भी खा रहे हैं, तो ये खतरनाक खेल जो हो रहा है, सावधान करने के लिए आपको यहाँ पर ये वस्तु दर्शाई जा रही है। तो आप जरा ये स्मिता बेन जी आपको वीडियो दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, और आप लोग ध्यान से समझना, और सभी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना प्रमोद जी, जो जान सकते हो समझ सकते हो केमिकल्स के नाम लिखना, केमिकल की पूरी प्रोसेस लिखना, जिस तरह से आप समझेंगे सीखेंगे, और बाद में वीडियो जब आएगा तो आप सबको भेज सकोगे सर। नमस्कार दोस्तों, कभी पैकेट घुमाकर देखा है जिस ब्रेड को, जिस ब्राउन ब्रेड को आप हेल्दी समझते हैं उसमें क्या क्या डला हुआ है। आज के दिन दुनिया भर में ब्रेड एक बहुत ही कॉमन फूड आइटम है, इसे हर कोई हर समय खाता है। इंडिया में कितने जरिए हैं इसे खाने के, ब्रेड जैम, ब्रेड गुलाब जामुन, ब्रेड हलवा, ब्रेड रोल, ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड ऑमलेट। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, ये ब्रेड एक्चुअली में
होती क्या है? बेसिकली देखा जाए तो ब्रेड चार मेन चीजों से बनती है। पहला फ्लावर यानी आटा या मैदा हो गया, दूसरा पानी, आटे और पानी को साथ में मिलाकर डो बनाया जाता है जैसे हम रोटी बनाते वक्त भी करते हैं, तीसरा नमक यानी सॉल्ट और चौथा यीस्ट। आप पूछोगे यहाँ पर नमक डालने का क्या पर्पस बना ब्रेड में, तो नमक के तीन मेन कारण होते हैं। पहला ये है कि नमक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है जिसकी वजह से ब्रेड को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। दूसरा ब्रेड का टेस्ट बेटर हो जाता है थोड़ा नमक डालने से। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नमक की वजह से जो ग्लूटेन स्टैंड्स होते हैं वो ज्यादा मजबूत बनते हैं। आटा गूंदने को इंग्लिश में कहा जाता है नेडिंग द डो, और जब आप ये करते हैं जो आटे के अंदर ग्लूटेन मौजूद होता है वो साथ जुड़ने का काम करता है जिसकी वजह से ब्रेड या रोटी हो गई वो एक पीस में बने रहते हैं, और नमक डालने से ये ग्लूटेन स्टैंड्स और मजबूत होते हैं। फिर आता है हमारा चौथा इंग्रेडिएंट यानी यीस्ट। यीस्ट बेसिकली दोस्तों सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फंगाई ग्रुप में आते हैं, हिंदी में हम इन्हें खमीर कहते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो चीजें रिलीज होती हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे प्रोसेस को आपने स्कूल में पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन बुलाते हैं। अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स रिलीज होते हैं वो एक्चुअली में ग्लूटेन स्टैंड्स में ट्रैप हो जाते हैं जिसकी वजह से एक ब्रेड फूलती है। तो आप नोटिस करोगे जैसे फोटो में आपको दिखेगा कि कैसे ब्रेड के अंदर ये इतने सारे ओवल शेप के, गोल शेप के बबल्स टाइप के दिखने लग रहे हैं, लेकिन इस रिएक्शन में इथेनॉल भी रिलीज होती है, और जैसा कि आप जानते हैं इथेनॉल अल्कोहल ही होती है। तो उस अल्कोहल का क्या होता है, जब हम इस फर्मेंटेड आटे को अवन के अंदर डालते हैं, बेक करना शुरू करते हैं, तो वो इथेनॉल इवेपोरेट हो जाता है, और इथेनॉल की इवेपोरेशन से ब्रेड और ज्यादा फूलने लगती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सारा अल्कोहल यहाँ पर इवेपोरेट नहीं होता है, कुछ ट्रैप्ड रह जाता है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने साल 1920s में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने पता लगाया कि 0.04% से लेकर 1.9% के बीच में अल्कोहल अक्सर ब्रेड में पाई जाती है। इससे कोई डरने की बात नहीं है, इतनी छोटी मात्रा में अल्कोहल से कुछ नहीं होगा आपको। इनफैक्ट उन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इतना बचा हुआ जो अल्कोहल होता है इससे ब्रेड का फ्लेवर ही इनहेंस होता है, यानी टेस्ट बेटर होता है ब्रेड का इसकी वजह से। तो ये है दोस्तों ट्रेडिशनली ब्रेड बनाने का तरीका, इसी तरीके का लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं दुनिया भर में ब्रेड बनाने के लिए। साल 1857 में लुईस पाश्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दुनिया को बताई थी। इसके बाद हमें पता चला कि फर्मेंटेशन एक्चुअली में होती क्या है, लेकिन इससे पहले लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते आ रहे थे बिना पता हुए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर हमारी जो रोटी है और ये जो ब्रेड है इसमें सिर्फ दो चीजों का अंतर है। रोटी बनाते वक्त हम यीस्ट और नमक का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए रोटी फूलती नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से ब्रेड फूलती है, और दूसरा इसकी वजह से हम ज्यादा देर तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते रोटी को। रोटी को खुली हवा में छोड़कर रखेंगे एक दिन बाद वो खाने लायक नहीं बचेगी। तो क्योंकि रोटी फूलती नहीं है इसलिए हम इसे एक फ्लैट ब्रेड की कैटेगरी में डालते हैं। रोटी जैसी ही फ्लैट ब्रेड्स दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। मेक्सिको में आपको मेक्सिकन टॉर्टियाज मिलेंगे जो कि रोटी जैसे बहुत दिखते हैं। अक्सर टॉर्टियाज को कॉर्न से बनाया जाता है, रोटी को हम वीट से बनाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसी ही बहुत सारी फ्लैट ब्रेड्स आपको मिलेंगी। अफ्रीकन देशों में ऐसी फ्लैट ब्रेड्स आपको मिलेंगी। तो एग्जैक्टली ये आइडिया किसको आया कि हम इस नॉर्मल फ्लैट ब्रेड में यीस्ट डाल देंगे जिससे कि ये फूल जाएगी, हिस्टोरियंस के लिए ये चीज एक डिबेट का मुद्दा है। ये स्पेक्यूलेट किया जाता है कि इसका ओरिजिन 4000 BC में हुआ था। इजिप्ट में बैठा कोई बेकर अपनी ट्रेडिशनल फ्लैट ब्रेड बनाने लग रहा था, लेकिन उसने आटे को साइड पर रखा हुआ छोड़ दिया कुछ घंटे के लिए, और हवा में वाइल्ड यीस्ट मौजूद थी जो उससे आके इंटरैक्ट करने लग गई। फिर जब उस बेकर ने इस आटे को अपने पुराने जमाने के अवन में डाला तो वो फूलने लग गया। हैरान हो गए सब, ये क्या होने लग रहा है। उन्होंने देखा कि ये खाने में और भी ज्यादा सॉफ्ट है, मजा आ रहा है, फिर से करने की ट्राई करते हैं। उन्हें लगा कि आटे को हवा में रख देंगे तो ऐसी ब्रेड बन पाएगी, लेकिन ये चांस की बात होती थी कि हवा में कोई वाइल्ड यीस्ट है या नहीं है, अक्सर नहीं मिलती थी उन्हें। फिर किसी ने देखा कि हम पुराने आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें यीस्ट है, उसे नए आटे के साथ में रख सकते हैं जिससे यीस्ट इधर से उधर चली जाए और वहां पे भी यीस्ट पहुंच जाए। इस तरीके से धीरे धीरे इंसानों ने डेवलप किया ये ब्रेड बनाने का प्रोसेस। आज से करीब 2000 साल पहले 300 BC में एंशियंट रोम में बेकिंग को एक आर्ट माना जाता था, एक बड़ा ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन हुआ करता था बेकिंग। वीट को अफ्रीकन देशों से इंपोर्ट किया जाता था, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, इजिप्ट के रीजन से आज के दिन जो है, और रोम में इंपोर्ट करके उनसे ब्रेड बनाई जाती थी। टाइम में आगे चले तो कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार इस ब्रेड के कॉन्सेप्ट को अमेरिका लेकर गए, और इंडिया में ये यीस्ट वाली ब्रेड सबसे पहले पोर्चुगीज लोग लाए थे पाओ के फॉर्म में। सही सुना आपने दोस्तों, पोर्चुगीज लोग इसे सबसे पहले गोवा लेकर आए और फिर मुंबई में। यही कारण है कि आज के दिन तक मुंबई का वड़ा पाव बड़ा फेमस है।
आगे टाइम में चलते रहे तो 1800s तक ब्रेड एक बड़ी नेचुरल होममेड चीज थी जो स्टेपल खाना बन चुकी थी दुनिया भर के कल्चर्स में। इसे हर दिन खाया जाता था, ब्रेड बनाने को एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन माना जाता था और ब्रेड की एंट्री हमें देखने को मिली आर्ट में, रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में भी। इस फेमस पेंटिंग को देखिए, जॉन फ्रांसो मिलेट की, जहां पर एक औरत ब्रेड बना रही है अपने घर पर। लेकिन फिर हमारी कहानी में एंट्री होती है दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ब्रेड जैसा एक प्यारा होममेड खाना इंडस्ट्री में बदल जाता है। कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत होती है यीस्ट से। किसी ने कहा कि हम इस वाइल्ड यीस्ट का इंतजार नहीं कर सकते कि अपनी ब्रेड बनाने के लिए, हमें यीस्ट को किसी तरीके से ट्रैप करके रखना पड़ेगा ताकि जब चाहे हम इसे तब इस्तेमाल कर पाए। ऐसे बन के आया प्रेस्ड यीस्ट, जिसे सॉलिड क्यूब्स में बेचा जाने लगा। साल 1867 में वियना में कुछ बेकर्स को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने पहला प्रेस्ड यीस्ट बनाया। आज के दिन इसे हम बेकर्स यीस्ट कहते हैं और आप पैकेट में इसे खरीद भी सकते हैं। लेकिन फिर किसी ने सोचा कि हमें ये यीस्ट चाहिए ही क्यों, हम इसका इस्तेमाल करते हैं एक गैस निकालने के लिए जिससे कि ये ब्रेड फूलती है, क्यों ना हम कोई और चीज इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड को फुलाने के लिए। और यहाँ पर एंट्री होती है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि ब्रेड को फुलाने का काम कर देती है। लेकिन ये एसिड कहाँ से आता है? इस एसिड को डालने के लिए उन जमानों में लोगों ने कहा कि हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ बूंद लेमन जूस की भी काम कर सकती है। फिर किसी ने सोचा कि क्यों ना हम इस बेकिंग सोडा और एसिड को कंबाइन करके एक पैकेट में बेचने लग जाए, एक मॉइस्चर फ्री पैकेट जिसमें इस बेकिंग सोडा और ये कोई एसिडिक सब्सटेंस डला है, जैसे इसे पानी में डालोगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा इन दोनों का। तो ये भी चीज अच्छे से काम करी। इसे बुलाया जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में डला होता है बेकिंग सोडा प्लस कोई एसिडिक चीज। आपने इनो के बारे में तो सुना ही होगा, हम भटूरे बनाते वक्त आटे में इनो डाल देते हैं, क्योंकि इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है और सिट्रिक एसिड होता है। साल 1850s के अराउंड था कि पहली बार बेकिंग सोडा को बेचा जाने लगा और उसके कुछ सालों बाद बेकिंग पाउडर को बेचा जाने लगा। ये सबसे पहले केमिकल्स थे जो ब्रेड में डाले जाने लगे। लेकिन इसके बाद जाकर था कि चीजें थोड़ी बिगड़ने लगी। साल 1873 में एडमंड ला क्रॉयक्स ने स्विस स्टील रोलर को इम्प्रूव किया। एक ऐसी मशीन बनाई इस आदमी ने जो बड़े एफिशिएंट तरीके से गेहूं के अलग अलग हिस्से को सेपरेट कर सकती थी। अब पहले आप ये देखिए दोस्तों कि एक वीट या गेहूं के एक दाने के क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सबसे बाहर की लेयर को हम कहते हैं ब्रान, जो ब्राउन कलर की दिख रही है। ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स इसी लेयर में होते हैं। इसके नीचे आता है सबसे मोटा और सबसे बड़ा हिस्सा इसका, जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। ये मोस्टली स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उतने। और इसके अंदर वाले पार्ट को फिर हम कहते हैं जर्म। अब जब हम होल वीट और रिफाइंड वीट की बात करते हैं तो सिंपली डिफरेंस ये होता है कि जो बाहर की ब्रान की आउटर लेयर है उसे निकाल दिया गया है। रिफाइंड फ्लावर में बाहर की लेयर नहीं डली होती, जो कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। एक तरीके से वैसा ही हो गया जैसे कि जब आप एप्पल खा रहे हो, आप जानते ही होंगे एप्पल में जो सबसे ज्यादा अच्छी चीजें हैं वो एप्पल के छिलके में होती हैं। अब आप सारा छिलका काट के एप्पल खिला दो तो उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको। छिलका ही यहाँ पर सबसे हेल्दी चीज है खानी। तो यही डिफरेंस है यहाँ पर दोस्तों आटे और मैदा में भी। आटा होल वीट से बनता है और मैदा यहाँ पर रिफाइंड वीट से। अब इन भाई साहब की इस नई मशीन की वजह से साल 1873 के बाद बहुत आसान हो गया मैदा को बनाना। उससे पहले भी मैदा बनाई जाती थी लेकिन इतना आसान नहीं था। तो ये सबसे पहली नुकसानदायक चीज थी जो ब्रेड के इतिहास में हुई। अब दूसरी चीज जो इसके बाद हुई वो और भी खतरनाक थी। जो आटा गेहूं से निकलता है वो व्हाइट कलर का बनता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इस रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आटे को जो व्हाइट कलर है वो थोड़े टाइम के बाद ही मिलता है। लेकिन इंडस्ट्रीज में बैठी इन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास टाइम नहीं था, उनके लिए टाइम ही पैसा था। वो अपने कस्टमर्स को अपीस करना चाहते थे ज्यादा से ज्यादा व्हाइट फ्लावर दिखाकर, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे उस रिएक्शन के होने का। तो उन्होंने क्या किया, आटे को जबरदस्ती व्हाइटन करना शुरू किया चौक, एलम और बोरेक्स जैसे केमिकल्स डालकर। 1898 में पहली बार ब्लीचिंग एजेंट्स आने लगे। नाइट्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लोराइन, क्लोराइन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लीच करने लगी आटे को। बस इसलिए क्योंकि ये चाहती थी कि कंज्यूमर्स की आंखों में दिखे कि ये देखो हमारा जो आटा है सबसे व्हाइट कलर का है। इसके पेटेंट्स फाइल किए जाने लगे ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस जैसे देशों में। उस वक्त कई लोग थे जो इसके सख्त अगेंस्ट थे, उन्होंने देखा कि यहां पर क्या होने लग रहा है। कई लीडर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि अमेरिकन केमिस्ट हार्वे वाइली, जिन्होंने स्लोगन दिया था सेव द ब्रेड सेव द नेशन।
लेकिन जब बात कोर्ट में गई तो ब्रेड बनाने वाली कंपनीज ने आर्ग्यू किया कि ये जो हम नाइट्रेट्स और केमिकल्स यूज करने लग रहे हैं इतनी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई इतना हार्मफुल नहीं होगा। इसलिए आज के दिन तक अमेरिका में आटे की ब्लीचिंग करी जाती है। एक बड़ा फेमस केमिकल ब्लीचिंग एजेंट जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है पोटेशियम ब्रोमेट। साल 1916 में पहली बार पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया गया ब्रेड पर। इससे ब्रेड ना सिर्फ और ज्यादा व्हाइट होती थी बल्कि और ज्यादा फूलती भी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम इस केमिकल को जानते हैं कि इससे किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और थायराइड कैंसर होता है चूहों में। यही रीजन है कि इस केमिकल को यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्राजील और चाइना में बैन किया जा चुका है। इंडिया का क्या है यहाँ पर? मई 2016 में एक लैब स्टडी करी गई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। इन्होंने हानिकारक पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड चेक करने के लिए 38 अलग अलग ब्रेड सैंपल्स को टेस्ट किया। 84% सैंपल्स में पाया गया कि या तो ये एक या दोनों केमिकल्स मौजूद थे। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि स्टडी के कुछ दिन बाद ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने खुद से डिसाइड किया कि वो पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड का नहीं इस्तेमाल करेंगे ब्रेड बनाते वक्त। एक महीने बाद जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम आयोडाइड को रेफर कर दिया गया एक साइंटिफिक पैनल को। इसके बाद इसे बैन किया गया या नहीं इसको लेकर कोई न्यूज आइटम नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली हमारे रिसर्चर को। शॉकिंग चीज लेकिन ये है कि अमेरिका के अंदर आज के दिन ये दोनों केमिकल्स परमिटेड है। आप सोचोगे अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में कैसे हो सकता है? अमेरिका वही देश है दोस्तों जहां से क्रोनी कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में बैन किए जा चुके हैं अमेरिका में आपको हमेशा दिखेगा कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। अच्छा फिर आते हैं हम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स पर। जैसा मैंने बताया था नमक को इस्तेमाल किया जाता है एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा हम अदरक, गार्लिक, हनी, क्लोव, सिनेमन इन सारी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ताकि खाना ज्यादा देर तक टिका रहे। अचार जब हम बनाते हैं वैसे अचार क्यों इतना ज्यादा दिन तक रखा जा सकता है? क्योंकि उसमें ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं जैसे कि नमक, जिंजर, गार्लिक। अब कुछ जगहों पर ब्रेड में भी ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं लेकिन पिछले 100 सालों में आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स बड़े पॉपुलर हुए। 7 जुलाई 1928 पहली बार अमेरिका में एक बेकरी में स्लाइस्ड ब्रेड को बेचा जाने लगा। अभी तक वैसे जब भी मैं ब्रेड की बात कर रहा था यह ब्रेड ऐसी दिखती थी लेकिन जब आप अपने दिमाग में ब्रेड की पिक्चर इमेजिन करते होंगे तो आप ये स्लाइस्ड ब्रेड से इमेजिन करते होंगे। ये सिर्फ 1928 में ही था कि इसे पहली बार बेचा गया, बनाया गया और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान था। नुकसान ये था कि ये बहुत आसानी से बासी पड़ जाती थी तो रिलीज होते ही ये ब्रेड एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही। लेकिन अगले कुछ सालों में धीरे धीरे और प्रिजर्वेटिव्स का जब इस्तेमाल किया जाने लगा, शेप में इंप्रूवमेंट्स हुई तो लोगों को ये स्लाइस्ड ब्रेड और पसंद आने लगी। साल 1943 में अमेरिका ने एक बैन लगाया था स्लाइस्ड ब्रेड के ऊपर ताकि स्टील बचाया जा सके लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक लोगों को ये स्लाइस्ड ब्रेड इतनी पसंद आने लग चुकी थी कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उसके अगेंस्ट। 2 महीने बाद इस बैन को हटाना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स पर हेडलाइन छपी, स्लाइस्ड ब्रेड पुट बैक ऑन सेल, हाउसवाइफ्स थंब्स सेफ अगेन। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यही था, आप देख सकते हो हेडलाइन से, कन्वीनियंस। जो बड़ी बड़ी ब्रेड पहले मिलती थी उन्हें काटना पड़ता था, बहुत मेहनत लगती थी उस ब्रेड को काट के रखने में। स्लाइस्ड ब्रेड का मतलब था कि ब्रेड निकाली और खा लिया। अब सीधा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के जमाने में और एक टिपिकल ब्रेड को इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। पिछली बार की तरह मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि किसी भी कंपनी ने झूठ नहीं बोला है, जो चीज सच सच है वो अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिख दी है। तो घुमाइए पैकेट को और ये देखिए एक टिपिकल व्हाइट ब्रेड के पीछे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिस्ट पर है रिफाइंड व्हीट फ्लावर 53%, यानी मैदा। मैदा जैसे मैंने बताया गेहूं के छिलके को काट कर जब गेहूं पीसे जाते हैं तो उससे मैदा बनती है। अब बात क्या है, छिलके में जो फाइबर मौजूद होता है वो आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है। बिना छिलके के जो इस मैदा के गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बड़ी जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर के फॉर्म में रिलीज होते हैं और एक शुगर स्पाइक आपको देखने को मिलती है, इंसुलिन स्पाइक होता है। इसे एक दो बारी खाने से तो कुछ नहीं होगा लेकिन साल भर साल अगर आप मैदा का ही खाना खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी जिससे इवेंचुअली बाद में जाकर आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में भी एक बुरा असर है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो मैदा खाने से बढ़ जाता है, खाने की ज्यादा क्रेविंग होती है आपको और मूड स्विंग्स भी आपको देखने को मिलते हैं। वैसे ही अलग अलग खाने से आ रही शुगर स्पाइक्स को मैनेज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत डिटेल में बात करी जा सकती है।
क्योंकि इन शुगर स्पाइक्स को इफेक्टिवली मैनेज करने से ही आप अपनी थकान दूर कर सकते हैं, आप ज्यादा एनर्जाइज्ड फील कर सकते हैं दिन भर। दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर है शुगर। शुगर यानी एडेड शुगर, एक्स्ट्रा ऐड किया गया उसे। ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली मौजूद है यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक्स वाले वीडियो में समझाया था, हमारी बॉडी को कोई भी एडेड शुगर की जरूरत नहीं है। तो जितनी ज्यादा आप शुगर अवॉइड कर सको, एडेड शुगर अवॉइड कर सको, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। By comparison, natural sugars जो आपको fruits, फल, milk, grains यहाँ पर मिलेंगी, ये sugars आपके लिए healthy होती हैं। इसे डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप कोल्ड ड्रिंक्स वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर समझना हो शुगर के बारे में। इसके बाद अगले इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आते हैं, नमक और इमल्सिफायर E481। अब नमक में सोडियम होता है और इस इमल्सिफायर में और भी ज्यादा सोडियम होता है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में सोडियम कंज्यूम करेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन कितना ज्यादा सोडियम बहुत ज्यादा होता है। अब ब्रेड के पीछे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस ब्रेड के 100 ग्राम में 497 मिलीग्राम सोडियम है। आमतौर पर लोग 4 से 5 स्लाइसेस खाते हैं एक ब्रेड की एक टाइम पर, उन स्लाइसेस का वजन अराउंड 200 ग्राम हो गया। अगर आप इस ब्रेड को 30 ग्राम बटर के साथ खाएंगे तो वहां से 250 मिलीग्राम सोडियम और ऐड हो गया। ये होता है दोस्तों आपकी डेली रिक्वायरमेंट का आधा। तो डेली रिक्वायरमेंट के अगर आप नीचे रहोगे तो सेफ है, अच्छा है, लेकिन ध्यान में रखने वाली चीज है ये कि 4-5 स्लाइसेस ब्रेड के आपने बटर के साथ खाए तो आपकी आधी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। रिसर्च हमें बताती है कि अमेरिका में जो डायट्री सोडियम है उसका टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर एक्चुअली में ब्रेड ही है। तो इतनी ब्रेड अगर आप खा रहे हो तो अपने बाकी खाने में नमक पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला इंग्रेडिएंट लिस्ट में आता है क्लास 2 प्रेजर्वेटिव E282। इसका मतलब है कैल्शियम प्रोपियोनेट। जून 2019 में एक स्टडी पब्लिश करी गई थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, जिसमें बताया कि ये केमिकल स्पेसिफिकली एलर्जीज कॉज कर सकता है, इंटॉलरेंसेज हो सकती हैं और स्किन रैशेज और माइग्रेन हेडेक्स आ सकते हैं। इससे पहले एक और स्टडी करी गई थी अगस्त 2002 में, जिसे जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ में पब्लिश किया गया था, जिसने बताया कि बच्चों को अगर ये प्रेजर्वेटिव वो डेली कंज्यूम करें उन्हें इरिटेबिलिटी हो सकती है, वो ज्यादा इरिटेटेड फील करेंगे, रेस्टलेस होंगे और अटेंशन स्पैन पे उनके इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद है एसिडिटी रेगुलेटर E270 जो कि लैक्टिक एसिड होता है, और एंटीऑक्सीडेंट E300 जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये दोनों जनरली रेकग्नाइज किए जाते हैं कि सेफ हैं और परमिटेड फॉर यूज हैं ज्यादातर जगहों में। ये स्टेटस है आज के दिन का एज पर एग्जिस्टिंग रिसर्च। अब आप बोलोगे कि मैं कितना सिनिकल होकर बात कर रहा हूँ कि एज पर एग्जिस्टिंग रिसर्च, थोड़ा पॉजिटिव सेंस में भी तो मैं सोच सकता हूँ कि कुछ हानिकारक ना हो इसमें। सही बात है आपकी, लेकिन जो इतिहास हमें बताता है उससे तो यही पता चलता है कि चांस यहाँ पर 50-50 टाइप का है कि कोई केमिकल और कोई प्रेजर्वेटिव बाद में हेल्थ के लिए हानिकारक निकल जाए। जरा उन लोगों के बारे में सोचकर देखिए जो 1970s-80s में रहते थे। वो पोटेशियम ब्रोमेट जैसे केमिकल को अपनी पूरी जिंदगी खाते हुए आए और बाद में एक दिन जाकर उन्हें पता लगता है कि ये तो हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की वेबसाइट को देखिए, पिछले ही साल एक बड़ा कॉमन फूड कलर E171 बैन किया गया। उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस फूड आइटम को अपनी पूरी जिंदगी खाते आ रहे हैं जिसमें ये फूड कलर डला हुआ था, उन्हें अब आकर पता चलता है कि भाई अब तो हमारी सरकार ने इसे बैन कर दिया है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो साल भर साल बैन होते रहते हैं, और यहाँ पर सबसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस मैं कहूंगा यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की ही है। लेकिन अमेरिका की भी जो फूड रेगुलेशन अथॉरिटी है वो भी टाइम टू टाइम बहुत से हार्मफुल केमिकल्स को बैन करती रहती है। FDA की वेबसाइट में देखिए, FDA रिमूव 7 सिंथेटिक फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम फूड एडिटिव्स लिस्ट। सिंथेटिकली डिराइव्ड बेंजोफिनोन, इथाइल एक्राइलेट, मिथाइल यूजेनॉल, माइक्रीन, इन्हें क्यों हटाया गया? FDA कहती है क्योंकि डेटा और रिसर्च ने हमें दिखाया कि इन सिंथेटिक सब्सटेंसेस को जब जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें कैंसर हो जाता है। ये सोचकर आपके दिमाग में जरूर आएगा कि अब तक जो खिलाया गया है हमें उसका क्या, इस पर कोई बात नहीं करता है, ना ही किसी को अकाउंटेबल ठहराया जाता है इन चीजों को लेकर। इस सरकारों की तरफ से ऐसा ही कहा जाता है कि भाई जो खा लिया उसका कुछ नहीं हो सकता, वो खा लिया तुमने। अजी आपने सुना है, देखा है, और हाउ इट बिकम्स मोर कार्सिनोजेन। तो कार्सिनोजेन का सीधा तात्पर्य है कैंसर होने से। हमने इतने सारे केमिकल्स देखे हैं, वी आर ऑलरेडी रनिंग दिस क्लास ऑफ द हेल्थ एंड डाइट, बट नाउ एंड इज 80% पीपल्स और मोर देन 80%, आई डोंट नो द प्रॉपर परसेंटेज, बट पीपल दोज आर यूजिंग द ब्रेड यू सी or the biscuits, or the pizza, or the pasta, or the burgers, any type of the bakery products. अब वो कितने chemicals से बने हुए हैं और कौन से chemicals आपके लिए, kidney के लिए, heart के लिए, migraine के लिए, cancer के लिए responsible है, वो हमें समझना है यहाँ पर।
अब पहली बात तो ये मैदा की जो प्रोसेस आपने देख ली, शुरुआत में ये भाई साहब जो है राठी जी, इन्होंने जो है हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा बताई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में आपने एथेनॉल देखा है, एंड नाउडेज द पीपल्स आर नोइंग इट वेरी वेल द हाउ द एथेनॉल इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द पेट्रोल आल्सो। इंडियन मिनिस्टर मिस्टर गडकरी हु वॉन्ट टू स्टार्ट ऑल द ऑटोमोबाइल यू सी इन द प्रॉपरली एथेनॉल यू सी। तो अब पेट्रोल के परसेंटेज में एथेनॉल 20% 30% 40% मिलाया जा रहा है और उसके कारण कारें चल रही है, लेकिन व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द ब्रेड? क्या जरूर है इसकी? क्यों ये केमिकल्स मिलाने चाहिए? इसलिए हमारी हजारों साल की जो एक प्रसिद्ध कला है रोटी बनाने की, आप गेहूं फ्रेश लीजिए, नहीं तो फिर ये सब सड़े हुए आ जाएंगे। और फ्रेश गेहूं का आटा मोटा बनाइए, छोटा बारीक आटा मत लीजिए। और जब आप आटा रोज लेते हो तो छान के लेते हो, तो छानने का कारण सिर्फ इतना ही है कि उसके अंदर जीव जंतु देखना है। पहली बात, आटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 8-10 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और बारिश के ऋतु में तो इतने दिनों का भी नहीं होना चाहिए। आजकल तो घर घर में जो है वे ये घंटी की मशीनें जो है सबके घर में है, आपको रोज का 1 किलो 2 किलो चाहिए, आप अपने घर में पीस लो बना लो। अगर बाजार के पैकेट फूड लाते हो या पैकेट आटा लाते हो तो वो महीनों तक, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डाले बिना तो महीनों तक रहेगा ही नहीं। दूसरे केमिकल्स उनको अंदर ऐड करने ही पड़ेंगे तो ही महीनों तक रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आप कभी गलती मत करिए, और मेहरबानी करके मेरी रिक्वेस्ट है कि शादियों के अंदर रिसेप्शन में जाना पड़े, जाना तो व्यवहार है, आखिर तो आप समाज में है ना, तो सोसाइटी में रहते हो, जाना तो पड़ेगा शादियों में, लेकिन वहाँ पर आप भूल से भी ब्रेड या ब्रेड की आइटमें ना खाएं। आप सिर्फ कोई फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, और अपने ब्याही जी और जो भी रिश्तेदार हो उनको खुश करके वापस आ जाए, बस इससे ज़्यादा गलती ना करें, ये मेरा निवेदन है। नहीं तो आप रिश्तेदारों को खुश करने में आप परेशान हो जाओगे भाई साहब। अब ये तो ब्रेड हमको कैंसर करने वाले बन गए। अभी आपने देखा कि एडिटिव्स कितने डाले जा रहे हैं, सॉल्ट की मात्रा कितनी बढ़ाई जा रही है। अब कई लोग घर में सुबह दूध के साथ ब्रेड ले लें, कुछ दूध के साथ बिस्किट ले रहे हैं, तो ये इतना विरुद्ध आहार हो रहा है, क्योंकि बिस्किट में भी सॉल्ट के या सोडियम के परसेंटेज जो है बहुत हाई है, जो इतने नहीं होने चाहिए ऑलरेडी है उसके अंदर। इस कारण आज बच्चों को ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं साहब, और ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जिसके कारण आजकल ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा हो रहे हैं, पैरालिसिस ज़्यादा होती जा रही है साहब। तो ये पहले समझने की कोशिश करिए, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे फिर। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये वस्तु ही ऐसी बन रही है। अब ये वस्तु बनाने की प्रक्रिया के अंदर एलोक्सेन नाम का एक ऐसा केमिकल डाला जाता है। आपने कभी ब्रेड से, ये मतलब मैदा से बनती हुई चीज़ें देखी होगी। आप घर के अंदर गेहूं की रोटी बनाकर एक हाथ से टुकड़े कर सकते हो, खा सकते हो, लेकिन अगर मैदा की बन जाए तो खींच खींच के वो रबर जैसी बन जाती है था। नॉन वगैरह के आपने अगर देखी हो, और वैसे भी एग्स वगैरह डाल करके बनाते हैं, आप देखिए ये रबर जैसी बनती है साथ, तोड़ भी नहीं सको, समझेंगे नहीं। तो ये खास आपको देखना है। अब दूसरी तरफ ये पेरोक्साइड या कैल्शियम पेरोक्साइड और बेंजोनिक प्रकार से ये डालते हैं, क्या आवश्यकता क्या है इन केमिकलों की? अब कुछ आपने देखा ब्लीचिंग केमिकल, क्योंकि उसको जरा एकदम सौंदर्य बनाइए, सुंदर बनाइए, वाइट दिखाइए, और ज़्यादा वाइट दिखना चाहिए ताकि लोग और ज़्यादा खाएं, तो ये उसके लिए ब्लीचिंग केमिकल है। पहले मालूम है शायद आपको,
कपड़े को धोने के बाद लोग ब्लीच करते थे, तो टीना पॉल है, रानी पॉल है, कुछ ऐसे केमिकल आए, कपड़ा उसके अंदर डिप किया तो एकदम ओवर शाइनिंग होती थी। लेकिन आज उसके भी प्रूफ आ गए कि उसके कारण स्किन कैंसर बढ़ने लग गए। एक तो साबुन जो है सोप, उसमें केमिकल है, उसके बाद और आप टीना पॉल रानी पॉल डाल करके और ब्लीच करके कर रहे हो आप ज़्यादा वाइट दिखने के लिए। कई लोगों को जो है इचिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कई लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गए, कैंसर तक स्किन कैंसर होने लग गए। लेकिन अब क्या करें साहब, जो लोग जो है वॉशिंग मशीन में डालते हैं, जो लोग जो है ये लॉन्ड्री में देते हैं, धोने के लिए देते हैं, तो उनको तो बहुत इचिंग प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है, समझे कि नहीं। तो ये हम देखते हैं कि बेंजोइक पेरोक्साइड जो है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ हमारे पेट में खाई जाती है और वो बॉडी में जाकर के किडनी को इफेक्ट करे, आज किडनी के क्रिएटिना बढ़ रहे हैं, किडनी के प्रॉब्लम कितने परसेंटेज बढ़ गए हैं आप जानते होंगे, शायद परसेंटेज आपको ख्याल होंगे, इतने हैवी केमिकल्स यूज हो रहे हैं कि जिसके कारण लोगों की जान जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं, किडनी के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, ब्लैडर के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, पुरुषों के अंदर यंगस्टर में भी आज प्रोस्टेट कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा फैल रही है इन फीमेल बॉडी जो है, यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर है, ये सारे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तो इतने प्रमाण में बढ़ गए ब्रेस्ट कैंसर की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन आज भी यूएसए, अमेरिका से, जर्मनी से या अन्य देशों की तुलना में हिंदुस्तान के अंदर ब्रेड का परसेंटेज 50% कम है, क्योंकि इंडियन लेडीज दोज़ हु आर नोइंग द आर्ट हाउ टू बेक द प्रॉपर चपाती इन द रेड राउंड शेप और वो घर में बनाकर खाते हैं, बहुत अच्छे सिस्टम है। आप बच्चों को, बड़ों को उनसे भी कभी भी ब्रेड खाने ही मत दीजिए। और आजकल तो ये स्कूल वालों ने पैसा कमाने के पीछे ऐसा नाटक कर दिया है कि घर से टिफिन ही नहीं लाना है, बच्चे स्कूल में ही खाना खाएंगे। आप कम से कम अपने बच्चों को स्कूल का खाना बंद कराइए, मम्मी को अपने घर से टिफिन भेजना चाहिए, बच्चों को साथ में टिफिन दीजिए, समझे कि नहीं, वो जरूरी है। ये गलतियां हमको नहीं करनी है। बच्चों को इतने कैंसर बढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर आज ही सुबह एक पिता अपने बच्चे को लेकर आए, 7-8 बरस के बच्चे को ब्लड कैंसर है और यहाँ तो टाटा हॉस्पिटल में तो लाइन लगी है लाइन, समझे कि नहीं, इतना तो प्रमाण बच्चों में कैंसर का पड़ रहा है। अब हर मम्मी जो है बाहर से ब्रेड घर में ला करके बना रहे हैं कुछ अलग अलग आइटम है। इधर आप देखो तो ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है भाई साहब, तो यहाँ पर तो इतने ज़्यादा जो है ये मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, वॉलनट है, जोमैटो, ये क्या 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 500 कंपनी आ गई, इतनी ग्लैमरस एडवर्टाइज, इतनी ग्लैमरस एडवर्टाइज, 400 रुपए का पिज़्ज़ा, 450 का पिज़्ज़ा, 500 का पिज़्ज़ा, फिर उस पिज़्ज़ा के अंदर एग्स आएगा, चीज़ आएगी, फिर ब्रेड आएगा। अब 5 रुपए का मैदा नहीं जाता है, उसकी जगह 500 लेकर के लोगों को खिला रहे हैं, लोग खा रहे हैं और वो कैंसर में जा रहे हैं, समझे कि नहीं। अब कहाँ गई हमारी अक्ल, कहाँ गई भाई साहब, घर में मम्मी रोटी बनाती है वो नहीं भाती है, वो पसंद नहीं है, और बाजार से ऑर्डर दे के मंगाते हैं। आज तो फैशन हो गई, फटाक से फोन किया, नीचे से देने आता है आपको। अब ये बहुत बहुत गलत परिस्थिति आ रही है। इधर क्या परिस्थिति इधर बदली है, हम दो और हमारे दो, अब एक एक ही तो बेटा है और उसमें फिर वापिस ऐसे पदार्थ खिला पिला करके, और फिर जो है हमें मातृ मृत्यु के मुख में जाने जैसी परिस्थिति हो, तो भूल से भी ना करें। इसके लिए आज मैंने आपको ये दिखाया है। और यहाँ पर एजोडिकल रेबोनिगमेरिन एक ऐसा केमिकल खतरनाक है, और जो ब्रेड के रैपर आते हैं, रैपर के ऊपर कंपनी ने, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया ई नंबर्स लिखने का, तो जरा ई नंबर लिख करके आप भी तो गूगल पर सर्च कर सकते हो व्हाट टाइप ऑफ दिस ई नंबर इज,
फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट. अब क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, क्या है ये, किस में से बनते हैं, कैसे है, वो दिखाइए. आप समझ लोगे भाई साहब, आपको भी ख्याल आ जाएगा. लेकिन इस अवेयरनेस के लिए जो आप इंटरेस्ट लेकर के इन विषयों को समझ रहे हो, तो आरोग्य का एक दृष्टिकोण हमने अपनाया है कि जिस आरोग्य को हम सुधारना चाहते हैं. आयुर्वेद 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 का मतलब खाली दवाई खाना नहीं है. आज के हिसाब से लाइफस्टाइल फूड स्टाइल दोनों को समझ करके आप जिससे बीमारियां बढ़ रही है पहले उसको बंद करना, यही शुद्ध पथ्य पालन है. बिना दवाई के आप जो है अपने तरह से स्वस्थ रह सकते हो. कोई दवाइयों की आवश्यकता कब पड़ेगी बीमारियां आने के बाद? और ये ऐसे खतरनाक केमिकल ब्लड में आएंगे और बीमारी बढ़ेगी तो आयुर्वेद क्या दुनिया की कोई पैथी काम नहीं करेगी? कोई दुनिया की कोई पैथी काम नहीं करेगी, नहीं बचा पाएगी आपको. और मैं तो स्मिता जी यहाँ तक एडवाइस दे रहा हूँ, आपको गेहूं ही बंद करना चाहिए, राइस भी बंद करना चाहिए, जवारी है, मक्का है, बाजरा है, मिलेट जो है वो ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, उनको यूज़ करिए. ऑलरेडी हमने इसकी भी क्लास पहले ली हुई है और उनके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं. ये गेहूं आदि के कारण डायबिटीज भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, राइस के कारण, और राइस तो पॉलिश राइस आ रहा है तो उसको भी सावधान लीजिए. ऑयल का आपको बताया मैंने, रिफाइंड ऑयल तो आज कितने केमिकल वाला हो गया है कि लोगों को कैंसर होगा. मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मेरी बात जाने दीजिए, लेकिन अब तो ये फॉरकास्ट आ रही है कि शायद 2030 तक तो हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या कैंसर में जाएगी. इतना कैंसर का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ये इसकी सारी चीजें इस तरह से हो रही है. अब कितनी चीजें ऐसी बनती जा रही हैं, आज की तारीख में कंपेरेटिव स्टडी करने पर पता चल रहा है कि 10-20 साल पहले भी जितनी महिलाएं घर में बनाकर खाती थी, आज ये परसेंटेज घर का बनाने का कम हो गया. फटाफट बाजार से आते ही मिल गया तो खा लो, लेते आओ, ऑफिस से आते समय घर लेते आओ, घर में खा लो. अब बनाना ही नहीं चाहते भाई साहब. मैं हैरान हो गया कि एक युवती की शादी थी तो उनकी जो है मीटिंग हुई तो वो युवती कह रही है मैं तो किचन में ही नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट कुक द फूड एट ऑल. अब वो पति बेचारा शादी करने था, वो मीटिंग थी, उन्होंने उसने हाथ जोड़ के नमस्कार कर दिया कि मैं आपको जय जय संतोषी माता करने के लिए घर में आरती उतारने के लिए नहीं ला रहा हूँ, हमको ऐसी शादी नहीं करनी है भाई साहब. क्या करना है? आप किचन में पैर ही नहीं रखो, आप कुकिंग कुछ भी ना करो, तो क्या मतलब हुआ भाई साहब? वो कह रहा है नहीं 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 सर, मुझे शादी नहीं करनी. क्या लाया? अब ये आज ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है और अपनी जिद पर अड़ी हुई युवतियां जो है 30-35 के पार पहुंच रही है और शादी नहीं कर रही है. क्या कलयुग आ गया, देखो क्या कैसा कलयुग आ गया है. माफ करिए सब, समय तो आपका जरूर बीतता जा रहा है, और अवेयरनेस लाइए. ऐसी चीजें जरूर से आप समझने की कोशिश करिए, आपकी आंख खुल जाए वैसी बात है. चलिए सर, those who want to ask the questions. धन्यवाद साहब जी. साहब जी, ये जैन धर्म में हमारे में ब्रेड का उपयोग तो नहीं है ना, तो ये हाउ डिड इट एंटर्ड इन आवर कल्चर? भाई साहब आप छोड़ दीजिए इन बातों को, अब जैन जैन नहीं रहे हैं. इतनी ग्लैमरस एडवर्टाइज के पीछे जैन लोग भी रास्ते चलता कुछ भी खाने को मजबूर हो गए हैं. और मम्मी बोलती है क्या करूं, बेटा मानता नहीं है, बेटी मानती नहीं है, समझते नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करके वो भी जो है रास्ते से आते आते लेकर आते हैं, बनाते हैं. और श्रीमंता ही है तो घर में बैठे अलो 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 ऑर्डर दे दिया साहब, आपके 20 मिनट में घर में पिज्जा पहुंच गया था. तो ये परिस्थितियां हो गई है. जैन होने का मतलब आप जांच परख करके खाओ.
जैना धर्म इतना अच्छा बताया है, लेकिन आजकल के अंदर कोई समझने को, जानने को, देखने को ही तैयार नहीं। इधर गवर्नमेंट ने और कंपनियों ने क्या कर दिया, ई नंबर लिखो, वस्तु का नाम ही नहीं लिखना है। अब क्या करना, इंडिया के अंदर भी FSSI की संस्था है, लेकिन अंधाधुंध चल रहा है। अब आप भी जानते हो ना, लाइसेंस पास कराने के लिए जाओ, खिला दो 1,00,000 रुपया और पास करा दो, फिर कुछ भी करो आप, खिलाओ उसमें। अब ये तो आपको सच्चाई दिखाई है कि किस तरह से कैसे बनाते हैं जी। और ये तो इसका तो उदाहरण झोले, तो उदाहरण है भोपाल का गैस कांड, जब उसका MD भी आ गया था, इंडिया में था, गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती थी उसको, राजीव गांधी ने कितने अरबों खरबों रुपये खुद पर्सनल खा करके उसको हाथों तक निकाल दिया कंट्री से। अब क्या करें भाई साहब, आप भी बात समझते हो, जानते हो, लेकिन क्या करना कैसे जी। सो जैसा कि साहब जी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है, तो ये हमारा दिसंबर में हमारा जीन डाइट एंड आयुर्वेदा का ये जो सेशन है वो हमें समाप्त करना होगा। हमने काफी कुछ सीखा है जैन डाइट और आयुर्वेदा में, टॉपिक्स अनगिनत हैं, हमने आपके साथ ट्रांसक्रिप्ट शेयर करे हैं। हमने शुरुआत जीवन चक्र की अवस्थाओं से करी, फिर रोग की उत्पत्ति का निवारण, कारण, शरीर की संरचना, प्रकृति, आयुर्वेद के अनुसार शरीर की संरचना, वायु, इस तरह से हमने कई कई विषयों पर चर्चा करी है और जानकारी प्राप्त करी है। तो इतना हम लोगों ने कंसोलिडेट किया है अभी तक, ऑलमोस्ट हमने ऑलमोस्ट 40 टॉपिक्स पे बात करी है। तो साहेब जी की आज्ञा से हम लोग, जैसे हम लोगों का लास्ट एपिसोड के बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन MCQ टेस्ट रखेंगे और हम लोग एक ब्रशअप करेंगे हमारी जानकारी का, और उसके बाद बेस्ड ऑन जो भी आप पार्टिसिपेंट्स, और ये हम लोग सर्टिफिकेट्स भी देंगे जिसमें साहेब जी की अनुमति से उनके हस्ताक्षर के साथ हम लोग जैन फाउंडेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डू गो थ्रू ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स दैट वी आर शेयरिंग, एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड वी विल शेयर द टॉपिक्स एंड वी विल हेल्प यू आउट कि किस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स को कहाँ कहाँ से आपको लेना है। तो आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये सफर, और जनवरी में, मिडिल ऑफ द जनवरी हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो इसी जानकारी के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करूंगी। साहेब जी आपकी अनुमति हो तो, थैंक यू सो मच। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोय सर्व साहुणं, हे सुपंच नमकारु सर्व भावपणसं, मंगलाणं च सर्वेषु मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम मंगलम कतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नतो दम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साधु लोकोत्तम, केवली पन्नतो दम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं दम्मं शरणं पवज्जामि, सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयति शासनम्। त्रिकालम बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, साधु जय, बहुत आशीर्वाद।